नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह और मैं इस वक्त मौजूद हूं मऊ ज़िले के सेमरी जमालपुर गांव में। सेमरी जमालपुर गांव मऊ ज़िले के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि यहीं जन्मे एक व्यक्ति ने मऊ जनपद के सृजन में अहम भूमिका निभाई। मैं बात कर रहा हूं कल्पनाथ राय की और मेरे पीछे उन्हीं की मूर्ति लगी हुई है। और पीछे सबसे पहले एक दृश्य देख लीजिए। आपसे बताना चाहता हूं, जब 19 नवंबर 1988 को मऊ जनपद के घोषणा की बात हुई थी, इसी के साथ थी जो नवासी में मऊ जनपद जो है कागजात में उपस्थित हो गया, उत्तर प्रदेश के नक्शे पर एक जनपद का उदय हुआ मऊ जनपद। इसी के साथ ही पिछले एक दशक में उस दौरान जो विकास हो रहे थे जनपद में, किसी भी क्षेत्र में ले जाए, रेलवे स्टेशन का मामला हो, अंडर ब्रिज का, ओवर ब्रिज का, इसी के साथ ही जनपद के चौमुखी विकास की बात करें तो कल्पनाथ राय ने इस तरह से यहाँ विकास का मॉडल अपनाया कि पूरे उत्तर प्रदेश में मऊ जनपद के विकास की चर्चा हो रही थी। समय के साथ कल्पनाथ राय की मृत्यु हो गई, आकस्मिक मृत्यु हुई थी, लेकिन जो उनका मॉडल था विकास का वो वहीं पर ठहर गया। जो जनपद के तमाम जनप्रतिनिधि हुए, आज वो पूरे जनपद को भूल चुके हैं। हालांकि ये बात है कि हर सरकार में इस ज़िले से मंत्री बनते हैं, लेकिन कोई भी मंत्री जनपद में एक ईंट रखवाने में सक्षम नहीं होता है। तो मैं बात करूंगा यहाँ के गांव के निवासियों, ज़िले के वासी हैं कि जब कल्पनाथ राय ज़िले के जो सृजन हुआ उस दौरान विकास में क्या हालात थे और कल्पनाथ राय का व्यक्तित्व क्या था, अपना परिचय बता दीजिए। जी, हमारा नाम गौरव कुमार राय हुआ जी, और हम यहाँ यूथ कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं जी, और रहने वाले बगल के गाँव कसारा के हैं। तो जैसा कि आप बात कर रहे हैं कल्पनाथ राय जी के बारे में, तो हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मऊ ज़िला है वो एक आजमगढ़ ज़िले के अंतर्गत एक छोटी तहसील हुआ करती थी, और ये जो हम लोग का क्षेत्र बनवद कहा जाता है, तो ये क्षेत्र पूरी तरह से विकास से महरूम था। पर यहाँ पे हमारे बगल के गांव सेमरी में कल्पनाथ राय जी का जन्म होता है, और समय के साथ वो आजमगढ़ में पहले सिवली कॉलेज के अध्यक्ष चुने जाते हैं, फिर वो जाते हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी, और वहाँ पर छात्र संघ नहीं था तो उन्होंने छात्र संघ के लिए संघर्ष किया और वहाँ छात्र संघ बहाल करवाया और फिर उसके अध्यक्ष चुने गए। तो इस तरह से आप देखें कि एक नौजवान जो कि इस पूरी तरह से अविकसित क्षेत्र से निकला है, अपने संघर्षों से बना आगे बढ़ते हुए यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुँचते हैं, तो उनके मतलब मन में एक संभावना रहती है कि हम इस लेवल पे आए हैं तो कुछ करें। सक्रिय राजनीति में कब जाते हैं और मऊ जनपद के सृजन की क्या कहानी है? जी, सक्रिय राजनीति में वो 1978 के करीब आते हैं, और उसके बाद वो सांसद कहाँ, वो सबसे पहले छात्रजन युवा सभा के से चुने जाते हैं, और उसमें विरोध के रूप में इंदिरा जी को उन्होंने काला झंडा भी दिखाया था। तो मतलब अपने छात्र जीवन से ही वो काफ़ी क्रांतिकारी रहे हैं, लेकिन सबसे पहले उनको राज्यसभा बनाया जाता है कांग्रेस की तरफ से, और 1974 में, इसीलिए हमने कहा था कि 1974 में राज्यसभा में एंट्री मारते हैं, तो राज्यसभा में एंट्री मारते हैं वो। और उसके बाद राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर वो सांसद बनते हैं, और चार बार यहाँ से सांसद रहते हैं, घोसी सांसद से। हाँ, तो जो एक बार इससे पहले जब सरकार रहती है नरसिंहा राव जी की, उस समय उनको पावर मिनिस्ट्री मिलती है, राज्य पावर मिनिस्ट्री, और उस दौरान ही वो बात करके एनडी तिवारी जी से उनके काफ़ी अच्छे संबंध रहते हैं, और इंदिरा गांधी जी के जन्मदिवस के दिन इस ज़िले की स्थापना का वो कार्य करवाते हैं। तो 19 नवंबर 1988 को इस ज़िले की स्थापना होती है, आधिकारिक घोषणा होती है, एनडी तिवारी जी मऊ आते हैं और घोषणा करते हैं। उसके बाद से जब आप देखेंगे तो कल्पनाथ राय जी का जीवन काल 10 वर्षों का रहा है, और इन 10 वर्षों में आते हैं उसी चर्चा चलते हैं। इन 10 वर्षों में ये जो मऊ ज़िला है एक विकास का दूसरा नाम हो जाता है पूरे मऊ जनपद का सृजन होता है, तो यहाँ जो विकास की कहानी होती है पूरी चर्चा केंद्र में, क्या क्या हालात होते हैं उस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए एक जिला मतलब एक नया जिला जो अभी तहसील भी अच्छी तरह से नहीं था बनता है, और जिला बनने के बाद यहाँ पे 3-3 ओवरब्रिज का निर्माण हो जाता है, रेलवे स्टेशन, कलेक्ट्री, आपका न्यायालय, ये सारी चीज़ें तो जो आवश्यक हैं वो बनती ही हैं, उसी के साथ में दूरदर्शन केंद्र, उसके बाद रोड, और आपका जो है
वो बीच मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जब मऊ जनपद का यहाँ पे सृजन होता है तो यहाँ पर विकास की इस कदर लहर बहती है कि जो बनारस और गोरखपुर के बीच में एक रेलवे स्टेशन बनता है मऊ जंक्शन, उस जंक्शन को इस कदर बनाया जाता है कि किसी मामले में वाराणसी से कमतर नहीं होता है। वहीं इसी के साथ यहाँ पर बीच केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के इतने सभी कार्यालयों का सृजन होता है, और जिस वक्त यहाँ पर वाराणसी में दूरदर्शन केंद्र से प्रसारण नहीं होता था उस वक्त मऊ जनपद में दूरदर्शन केंद्र से प्रसारण होता था। तो मेरे सब कहने का आशय यह है कि मऊ जनपद में जो एक सुसज्जित जनपद का विकास हुआ, पूरा यहाँ पर आधुनिकता की लहर थी, लेकिन आज हालात यह है कि मऊ जनपद में विकास तो बहुत दूर चला गया है। हम जनपदवासी भी कल्पनाथ राय को भूल चुके हैं, उनके गांव को भूल चुके हैं। अब यहाँ पर कल्पनाथ राय के गांव के कुछ लोग हैं, उन्हीं से जानना चाहते हैं कि जब कल्पनाथ राय थे तो पूरा जनपद में विकास की चर्चा हुआ करती थी, गांव का जिले के विकास में अहम भूमिका निभाई। पूर्वांचल के पटल पर एक गाँव एक जनपद ऐसा आता है जो अपने विकास के चर्चे में रहता है, लेकिन आज मऊ जनपद की क्या स्थिति है? स्थिति बहुत विकास में बहुत पीछे चला गया। जी जी, हर काम जो है बहुत धीमी गति से चल रहा है, और वो थे तो बहुत तेजी गति से। अच्छा, तो वो तो विकास की बात छोड़ दीजिए, आज मऊ उनके कल्पनात रहे गांव के क्या हालात है? गांव का हालत बहुत बद से बदतर जी, हर स्थिति में, चाहे बिजली लीजिए, चाहे सड़क लीजिए, चाहे पानी लीजिए, चाहे जल निगम का पानी। ध्यान कर रहा हूँ कि 15 साल से पहले टंकी बनी जी जी 78 लाख के लगभग, और आज तक एक बूथ पानी नहीं दिया, कनेक्शन सबको दिया लेकिन पानी नहीं देती। अच्छा, तो आज बात होते आज भी मऊ जनपद पूर्वांचल के जनपद सबसे सुंदर है, चमकीला है, लेकिन वो उसकी वजह है कल्पना था। कल्पना था, लेकिन सारे विकास जो भी हुए सब कल्पना था एक दिन जी। तो क्या वो जनपदवासी कल्पना था गांव को देखते हैं, उनके जनप्रतिनिधि आते हैं विकास के? कुछ आते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई विकास नहीं, जो कहते हैं छूटा, जो बिगड़ा है बंदे का कोई नाम नहीं। अच्छा, आइए गांव के हालात हैं, चलिए आप बताते हैं क्या गांव के। देखिए जी, यह सड़क जब तक 2 फुट ऊंची नहीं होगी, जब बरसात में 2 फुट पानी लगता है, पूरा पानी भर जाता है। पानी भर, कैसे निकलते हैं आप लोग उस पानी से होकर? क्यों कैसे उतार, पानी में खुद देख होते, चलिए देखिए सड़क। हाँ, और यहाँ पर गांव में और विकास की बात करें, जैसे कल्पना तरह का पार्क है, पार्क काफ़ी बदहाल है, क्या कारण है, पार्क की क्या स्थिति है? यहाँ जल निकासी नहीं है, ना कोई व्यवस्था है जी, सब दुर्व्यवस्था है, किसी का इस पर ख्याल नहीं है, न अधिकारी का, न किसी का, न उत्थु का विकास। अच्छा, ऐसे भी गांव के जो प्रधान निधि है, पंचायत द्वारा भी काम कराया जाता है या उसी से अनदेखा सब है? पंचायत द्वारा काम हो रहा है जी, लेकिन आप देख रहे हैं जो काम हुआ है ना पंचायत। मैं कहने का मतलब है कि कल्पनाथ राय गांव के लिए विधायक सांसद की कोई नजर नहीं रहती है? नहीं, मतलब कोई नहीं, कोई योजना नहीं, कोई योजना है समझ नहीं। हाँ, मतलब जो उनके मरने के बाद एक भी विधायक यहाँ कुछ काम नहीं कराया, ना कुछ किए। जो सांसद विधायक होते हैं जनपद के, वो जब भी आते हैं वो उनको पार्टी से इतर उनके विकास की चर्चा करते हैं, भाई चर्चा करके रह जाते हैं, चर्चा करते बस चुनाव और चर्चा, इसके बाद कोई जाता है कुछ उस पर निगाह नहीं। हाँ,